दिन बंधु आना ये लोग बच्चे उस दिन थे पूरे टाइम 24 घंटे मेरे साथ रहे बल्कि एक दिन तो सर आपके यहाँ से जो स्टूडेंट बाहर खेलने जा रहे हैं तो आपको कैसा कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है कि जो भी स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं जो बाहर खेलने जाता है कॉलेज का नाम तो रोशन भी होता है, उसके साथ साथ कॉलेज जिस स्टेट में पढ़ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा में पढ़ता है और जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है गुड़गांव में पढ़ता है, तो उसका नाम तो अपने आप ही रोशन होएगा। क्योंकि जितने भी प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके जो बाहर खेलने जा रहे हैं उससे ये भी लगता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा दे रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो चाहे इससे पहले वाली गवर्नमेंट हो, स्पोर्ट्स के बच्चों को उन्होंने डिफरेंट टाइप की सर्विसेज वगैरह दी हैं। और ये अच्छा भी लगता है कि कॉलेज के बच्चे अगर कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो कॉलेज का डेफिनेटली नाम रोशन होगा। और फिर दूसरा ये है कि वो एक मॉडल बन के कॉलेज के लिए आएंगे, जो अगर बाहर चाहे वो गोल्ड मेडल लाए चाहे सिल्वर मेडल लाए चाहे ब्रॉन्ज मेडल लाए, एक रोल मॉडल बन के आते हैं कॉलेज में। और फिर बच्चों को मोटिवेट भी मिलता है कि डिफरेंट उसमें जाए। जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ना बैडमिंटन को कोई पूछता था ना कबड्डी को कोई पूछता था, आपने देखा होगा कि क्रिकेट क्रिकेट चलता था चारों तरफ। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में स्पॉन्सर भी मिले, मतलब कबड्डी भी सामने आई और डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स आइटम है वो भी आए। तो कहने का तात्पर्य है बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं। और जैसे ये बिटिया है रेणुकादियान जो ये पैदल चाल मतलब पैदल रेस में जितनी भी मतलब इससे मेहनत की है, अभी हम भी गए थे नए स्टेडियम में जब इन्होंने जो एक 24 घंटे लगातार किया था, आई थिंक सो 20 अक्टूबर के लगभग। तो कहने का तात्पर्य बहुत मेहनती लड़की है और जितना ये मतलब मेहनत कर रही है, और ख़ास करके मैं तो एज ए बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ लेकिन मैं स्पोर्ट्स टीचर ना नहीं हूँ, पॉल साइंस का प्रोफेसर हूँ और मैं स्पोर्ट्स के यहाँ पे 10 साल कोचिंग भी दी है। और मुझे पता है कि जो भी स्पोर्ट्स का बच्चा होता है उसके लिए कितनी डाइट की आवश्यकता होती है। एक डाइट प्रॉपर भी मिलना चाहिए, चाहे वो कॉलेज दे चाहे वो गवर्नमेंट दे, ये उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है और कॉलेज के लिए ये एक अच्छा मतलब विषय रहेगा कि भाई ये देखे कॉलेज देखे कि भाई इसको प्रॉपर डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही। कॉलेज मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करती है या क्या कुछ प्लान्स होते हैं उनके? बेसिकली ये कॉलेज जो है मैनेजमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कॉलेज है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जैसी भी पॉलिसीज वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर ये भी खड़ी उतरी। मैम सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेणुकादियान है। और आपकी अभी जो हाल फिलहाल आप किस दौरे पर निकले हैं और क्या आपके गोल्स रहेंगे वो आप एक बार बताइए। मैं अभी फ़िलहाल वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ जो ओमान मस्कट में रेस वॉकिंग कप होने जा रहा है, जिसमें जूनियर सीनियर और मास्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओमान मस्कट में। 4 मार्च को ये टूर्नामेंट है और वर्ल्ड एथलेटिक्स भी इसमें साथ रहेंगे, कॉपरेशन है इनका भी। मैम अभी रिसेंटली आपने एक रिकॉर्ड बनाया तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है 24 आवर्स का। इसका मैं पूरा श्रेय पेरेंट्स बच्चे तो हैं ही कोचेज भी हैं, लेकिन मुझे जो स्टार्ट के दिमाग में कैसे है वो चीज़ है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे का यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी बॉय करके, उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को ना एक शॉर्ट बनाना है यूट्यूब के लिए 24 आवर्स कार में, आप मेरे साथ बैठोगे 24 घंटे कार में। मैंने वाईफाई का इंतजाम कर लिया ताकि 24 घंटे में मूवी देखनी हो तो वाईफाई पे देख लेंगे, ये सब चीज़ इंतजाम किया। लाइट का भी रात को चली जाता कितनी देर लाइट चलेगी वो भी इंतजाम किया। फिर एकदम मेरे दिमाग में कहा जब ये छोटा सा बच्चा लाइक ही इज़ जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड ये दिमाग में रखता कि मम्मी 24 घंटे ये करते हैं अपने लिए या सबको फेमस, आई मीन किसी भी चीज़ मकसद से, छोटा ही बच्चा जब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये चीज़। तो उसने मुझे एक इशारा किया, मैं कहा जब ये रेस वॉकिंग तो मैं कहा चल मैं 24 घंटे रेस वॉकिंग करके देखती हूँ ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत से पूछा, सब ने मुझे मना किया कि आज तक नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत है, लाइफ थ्रेट है, बहुत सब ने मुझे बोला कि लाइफ थ्रेट है, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसका छोटा सा जवाब दिया, मैं कहा लाइफ थ्रेट कहाँ नहीं है, चेयर पे आराम से बैठे हो, कुछ भी हो गया, हार्ट अटैक आ गया कुछ भी, भगवान ना करे,
तो क्या वो लाइफ थ्रेट नहीं है? अगर हम लाइफ थ्रेट के चक्कर में रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, तो ये मैं सोचती हूँ। करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। और हमेशा मैं कहती हूँ कीप स्माइलिंग, इट्स अ लॉजिकल थिंग, लाइक आई बिलीव कि अगर आप कीप हमेशा स्माइल करते रहोगे, मैं मानती हूँ नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स सब जगह होती हैं, हमारे आसपास भी होंगी, लेकिन जब नेगेटिव वाइब्स हमारे चेहरे के पास आती है ना, वो देखते हैं कि स्माइल कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दूर चली जाएगी। तो स्माइल करते रहो ना, दुख और सुख तो आने ही जाने हैं, सबके साथ हैं, हमारे साथ कम या ज़्यादा नहीं है ऐसा कुछ, सबके साथ है। तो फिर हंस के झेलो इसे, जब रो के क्या करना है, आंसू बहाने, अपनी हेमोग्लोबिन कम करना है और अपना वो वाइट ब्लड सेल वगैरह कम करने से बेटर कि आप अपना स्माइल करते रहो, चेहरे पे से रौनक आती रहेगी, तो स्माइल करते रहो, वो यही कहूँगी, दिल से खुश रहो। आपका जो स्पोर्ट्स की तरफ जो रुझान रहा है, वो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको स्पोर्ट्स में आना है, और स्पोर्ट्स तो बहुत सारे थे, फिर इसी स्पोर्ट्स को क्यों ज्वाइन किया? शुरुआत में जब स्कूल टाइम में थे, स्कूल टाइम में नॉर्मल जो 100 मीटर 200 मीटर 800 मीटर जो स्कूल टाइम में जो होता है वही तक मैं खेलती थी, बस उतना ही। लेकिन सच बताऊँ उधर कभी मेरे को मेडल नहीं आया, क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं पता, बट मैं पार्टिसिपेट जरूर करती थी। मैं सोचती थी चल हार जाऊँ बट पार्टिसिपेट करना है, मैं ये सोचती थी, वहाँ कोई मेडल नहीं आया। लेकिन जब शादी भी हो गई, कुछ नहीं, शादी के बाद बहुत अप एंड डाउन देखे, बहुत एक ऐसा ट्रेजिडिकल लाइफ भी मैंने पार किया कि एक मोमेंट था कि मैं जब यूट्यूब पे सर्च कर रही थी हाउ टू कमिट सुसाइड एट होम, वो एक टाइम था, मैं दरवाज़ा बंद करके रो रही थी, लिटरली रो रही थी कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, एक टाइम वो भी था। फिर मैंने सोचा कि रेनू सबके साथ होता है ना, तू फिर तू नहीं क्या है, रोना तो इस बेटर कि तुम दरवाज़ा खोलो, सामने सक्सेस है, अपने रोने का आंसू बंद करो, या तो तुम रो के पड़े रहोगे मर जाओगे एक दिन, या फिर रोने का आंसू पोछो, हटाओ इन सब चीज़ों को, माइंड को क्लियर करो और आगे बढ़ो। तो यही मैंने रास्ता किया आगे बढ़ना। इवेंट के रिगार्डिंग 2017 में मैंने अपने एक्चुअली बच्चों को ताइक्वांडो सिखाती थी, मैं बच्चों को लेके जाती थी एकेडमी रोहतक में, बिकॉज मुझे बीच में बहुत ताने सुनते थे, कुछ नहीं कर सकती, तो ये इन लॉस की साइड से बहुत ज़्यादा सुना था मैंने, मैं जब हाँ हूँ ना वही सूट सलवार में सब सुन के, ठीक है मैम अलग मम्मी जी पापा जी हस्बैंड जो भी बोलते थे मैं सुनती रही थी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बट मैंने बीच में IAS की भी तैयारी की, बिकॉज हर बार बोलते ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ मैंने ट्राई किया IAS के लिए भी, मैं दो बार अटैम्प्ट किया, बट बच्चे भी हैं और सब। एक टाइम वो भी था जब मैं IAS की तैयारी कर रही थी, तो गैस पे रोटी बनाते टाइम मैं नीचे जो पेपर हिस्ट्री के जो ईयर्स होते हैं ना वो मैं नीचे छुपा के रखती थी, पीछे से सुनने को मिलता था क्या कर रही है क्या कर रही है, मैं छुपा के रखती हूँ कोई पढ़ते हुए मुझे देखना नहीं, फटाफट पेपर नीचे छुपाती थी, गैस के नीचे थोड़ी स्पेस होती है, नीचे छुपाती थी रोटी मिलते टाइम। कुछ उस टाइम ईयरफोन इतना नहीं था, लीड्स वगैरह पे अगर मैं गाने में सुनती तो बहुत टोंट हुई कि गाने सुनती रहती है, जबकि मैं गाने नहीं कुछ ना कुछ सर्च जो भी था मतलब अप एंड डाउन बहुत स्टोरी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि खुश रहो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर जब मैं ताइक्वांडो के लिए अपने बच्चों को लेके जाती तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि उसको करते हुए देखे ना, पता नहीं शायद कभी कोई एक इच्छा मेरे अंदर शायद दबी होगी या मैंने दबा के रखा होगा या मुझे उस चीज़ के लिए नहीं आ रही होगी, बट पता नहीं मैंने माइंड में काम किया कि रेनू एक बार स्पोर्ट्स में जाओ, हाँ या ना जो होगा देख ही जाएगी। मैंने फिर मैं स्पोर्ट्स में एंटर किया, पहले मैं ताइक्वांडो में गई, ताइक्वांडो में मैंने ओपन नेशनल खेला। ताइक्वांडो आपने मैम किस सन में खेला या किस? मैंने एज मेरा 25 मैंने खेला था 2017 ईयर्स में, 2017 में।